सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे थे इंडिया में और तीसरी टर्म प्राइम मिनिस्टर मोदी की आ गई है। हम तो नहीं खुशी मनाएंगे, ना ही उसको अच्छा कहेंगे। क्या जल रहा है? तेरा जल रहा है? नहीं, मुझे तो बदबू आ रही है। तो तीसरी दफा भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मौका मिला है इंडिया पर राज करने का। और भारतीय जनता पार्टी और उनके लीडर नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की ओपोजिशन, उसने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को इसमें हम्बल कर दिया है, इस इलेक्शन में उनके गरूर को फाश पाश पाश कर दिया है। देखिए, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के पूरी की पूरी ओपोजिशन, पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। देखिए, राहुल गांधी साहब के साथ कुछ 10 लोग मिले हुए, 10 पार्टियां मिली हुई हैं, बड़ी बड़ी पार्टी 10 पार्टियां मिलके भी जो है ना उसके लेवल पे, खाली मोदी के लेवल पे नहीं आई। अभी तो मोदी साहब ने लोगों को साथ लाना है वहाँ पे। इस बार भी मोदी सरकार आ रही है और उनका नारा था कि मोदी ही आएगा, अगर इंडिया को तरक्की देनी है तो मोदी ही आएगा, और वो ही आया। साथ साथ उन्होंने राम मंदिर भी बनाया, बाबरी मस्जिद वाला जो केस था पाकिस्तान में, बड़े धरने हुए, लेकिन उन्होंने अपने हिंदुओं के लिए वहां पर मंदिर बनाया। लोग उनसे बड़े खुश हैं। वो काम करते हैं जो उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो नरेंद्र मोदी ने पिछले जो है वो 10 सालों के अंदर बहुत ऊपर की है। इकॉनमी उनकी बहुत अच्छी हो गई है, दुनिया भर के अंदर चांद पे पहुंच गए हैं वो। ये बात हम तस्लीम करें या ना करें, ये हकीकत है कि मोदी ने भारतीय मईशत को बहुत फायदा पहुंचाया। मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमारे हाँ उनके लिए जो भी ओपिनियन हो, उन्होंने जो सेकुलर इंडिया का एक नारा लगाया हुआ है उसी को लेके जब वो आगे चले हैं, उन्होंने डेवलपमेंट्स की हैं, उन्होंने अपने मुल्क में काम किया है, उसी काम की वजह से उनके लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है, और उसी ट्रस्ट का ये नतीजा है कि आज उनका मुल्क भी आगे जा रहा है और वो उन्होंने मोदी साहब ने थर्ड टाइम इलेक्शन भी विन कर। मैं समझता हूँ ये इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए टोटली फेक है। ये लो जी देखिए, यूएस ने अपना ऑब्जर्वर नहीं वहाँ पर भेजा, यूएस ने कहा नहीं यहाँ साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं, यूएस का एम्बेसडर टू इंडिया जो है वो वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, वो कह रहे हैं मैं इम्प्रेस हो गया हूँ, ऐसा वोटिंग सिस्टम तो अमेरिका के अंदर नहीं है। कंट्रोल राहुल गांधी जो कि इस वक्त कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी पप्पू कह के बुलाया करते हैं। एक इलेक्शन 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, इंडिया के इलेक्शन फेयर हैं और आवाम जो है उनके रिजल्ट भी मान रही है, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई दंगे फसाद नहीं हुए। हमारे मुल्क में जब इलेक्शन हुए तो इतने लोगों की जाने गई और इतने एहतजाज हुए। 10 साल हो गए मोदी साहब को इंडिया पे हुकूमत करते हुए, तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। वो मोदी जी की एक इंटरव्यू आपने देखी भी सुनी भी होगी, वो मोदी जी खुद कहता है कि पाकिस्तान को छोड़ दिए, कुछ भी नहीं हमारे सामने। ये अब अभी खुद को ना एक स्टेज पे लाने के लिए बार बार हमें वो पॉइंट टू द पॉइंट करते हैं, हमारा नाम ले लेते हैं कि इंडिया ये है, इंडिया वो है, वो हमें बिल्कुल समझते ही नहीं। हम उनके वो ना वो एक उन्होंने कहा था कि सुबह का नाश्ता हम लाहौर में करेंगे, तो उनके लिए पाकिस्तान आज भी कुछ नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो भी इंशाल्लाह आगे आएगा, वो कांग्रेस वो नौजवान है और अच्छी मतलब कोशिश कर रहा है। तो ये जो मैं समझता हूँ ये इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए टोटली फेक है। ये लो जी, में वो जो हिंदुइज्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं तो उनका जो मुल्क है वो कह रहे हैं कि हाँ हमारा हिंदुस्तान है, तो ये सिर्फ जस्ट हिंदुस्तानियों का ही है। मतलब लोग पसंद नहीं करते, लोग जो काफ़ी अननॉलेजफुल हैं वो यही कहते हैं कि इंडिया बुरा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और काफ़ी इंडियंस भी ऐसे हैं जो अगेंस्ट हैं पाकिस्तान के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तरफा हेट है जी, ऐसे ही है मैडम। वो फिल्मों में भी देखते हैं, इंडिया की फिल्मों में काफ़ी ऐसा होता है जिसका रोब रुबा होता है, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास कोई इनफरादी कुव्वत होती है, वो इलेक्शन को मतलब इस तरह आगे पीछे करके जीत जाता है। तो सर, फिल्मी दुनिया में और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से डे बाय डे तरक्की कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वाकई वो तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपनी प्रोग्रेस का, अपनी तरक्की का एक लोहा मनवा रहे हैं। सो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो हार गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही दैट हाउ ही हैज लॉस्ट। The only problem is कि वो कह रहे थे हम 400 लेंगे। The question is they have stopped at 295 or 298. That's the difference. लेकिन आप चीज इस चीज को तो माने कि नरेंद्र मोदी ने एक स्क्रिप्ट लिखा है भारत के अंदर।
बहुत सारे लोगों को ये बुरा लग रहा है कि और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो हार गए। मैं जानना चाहता हूँ वो कैसे हारे। सो वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं बड़े फैसले करने जा रहा हूँ, मैं छोटे फैसले नहीं करूँगा। सो वो बड़े फैसले ये तो कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड तो बड़े फैसले ना शायद कर सकें, ठीक है, क्योंकि वो कोलिशन अलायंस में चले गए हैं। परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत दिखाई है लेकिन वो चले कोलिशन में गए हैं। देखिए मीडिया का जो एक अमल होता है उसी अमल की वजह से हमारे लोगों के जहन में एक गलत कंसर्न मोदी जी के बारे में बैठा हुआ है और उसी का उसी के लिए वो कह रहे हैं। हम किसी बंदे को देखना नहीं अगर चाह रहे होते हैं ना, अगर वो जीत भी जाए हम उसकी जीत नहीं मान रहे होते। और जो मोदी है वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को लेके इंडिया के साथ चल रहा है कि हमने वो कॉन्सेप्ट देना है जिसके साथ जिसमें ये हो कि हिंदू और इंडिया जो है वो दुनिया का बेस्ट कंट्री है। ये एक नया चैप्टर है जो कि इंडिया के अंदर लिखा जा रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो हार गए हैं, नरेंद्र मोदी नहीं हारे। भाई नरेंद्र मोदी जीत गया है, उसने 246 सीटें ली हैं, मुकाबले में 11 जमातें खड़ी हैं। 11 जमातें उतनी सीटें नहीं ले सकी अकेली जितनी बीजेपी ने अकेले ले ली है। सो बीजेपी ही है वो जमात जो इस वक्त पूरे नेशनल लैंडस्केप के ऊपर चल रही है। अब होगा क्या, क्योंकि नरेंद्र मोदी को देखे स्ट्रॉन्ग मैन रूल दे गया है, वो है ही स्ट्रॉन्ग मैन था, दैट इज व्हाई देयर इज अ शॉक, बिकॉज़ इन एन कोलिशन देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेन सर्टेनिटी। और क्या पता है आपको आइंदा कुछ आने वाले दिनों के अंदर, आप देखें भारत के अंदर इतनी पोलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इतनी पोलिटिकल स्टेबिलिटी थी कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस के अंदर स्टॉक मार्केट हिली नहीं बल्कि ऊपर गई है। कहाँ हांगकांग के करीब, चाइना, अमेरिका, इन मुल्कों के साथ ही इंडिया के स्टॉक चेंज। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने मोमेंटम 400 को बिल्ड कर लिया था, वो 6000 पॉइंट स्टॉक मार्केट नीचे चलेगी और उसने तो नीचे जाने था स्टॉक मार्केट में। मुझे पॉलिटिशियन के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो भी ज़्यादा वोट्स रखता है वो जीतता है और जो भी हुआ है ठीक हुआ है। ठीक हुआ है। आप क्या कहते हो, तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना, वो भी लगातार लगातार उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्या कहती हैं आप? ये उनके लिए एक अचीवमेंट है और मुझे लगता है कि जो उनके पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, इस जीत की अनाउंसमेंट इंटरनेशनल मीडिया ने पहले ही कर दी थी, भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आई गेस उनके पास सोर्सेज होंगे या उनको एक्साइटमेंट होगी, उन्हें पहले पता होगा। एक्साइटमेंट होगी, पहले पता होगा। जी, आपकी नज़र में हु इज पीएम मोदी? जो इंडिया के मिनिस्टर हैं वही प्राइम मिनिस्टर हैं। जी जी, आपकी नज़र में क्या हैं वो, मतलब आप क्या समझते हो सोचते हो उनके बारे में? मुझे लगता है कि जितने भी लीडर्स हैं वो ठीक हैं और वो तीसरी दफ़ा अगर जीते हैं तो वो कोई पोजीशन होल्ड करते हैं तो ये बेहतर है। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मोदी जी की पार्टी बीजेपी प्लस उनका अलायंस NDA ने मिलकर 290 प्लस सीट्स जीत ली हैं, जिसके बाद ये तय हो गया है कि मोदी जी ही तीसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान में खलबली सी मच गई है। कुछ लोग तो अब तारीफ कर रहे हैं कि मोदी जी ने भारत को बहुत आगे बुलंदियों पर पहुंचा दिया है, लेकिन कुछ को जलन हो रही है कि तीसरी बार भी मोदी जी आ गए हैं तो भारत को आगे से और आगे ले जाएंगे, जो कि पाकिस्तानियों को गवारा नहीं है। लेकिन जहां एक और कुछ पाकिस्तानियों को ये चीज़ पसंद आ रही है, कुछ को नहीं पसंद आ रही, लेकिन कमर शीमा जो पहले बीजेपी को मोदी जी को भला बुरा कहता था, अब वो भी उनका मुरीद बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।